हाय गाइस, इस वीडियो हम लोग कांस्टेंट एंड लिटरल्स के बारे में जानेंगे। कांस्टेंट और लिटरल्स दोनों एक ही होता है, ओके? तो कैसे इसका मीनिंग क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है प्रोग्राम में, वही हम लोग आज देखने वाले हैं, ओके? तो कांस्टेंट का मीनिंग ये होता है कि जब हम कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं, यानी कांस्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो इसका सिंपली ये मीनिंग होता है कि हम लोग उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, यानी अपने वेरिएबल को कि वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एग्जांपल अगर मैं हम लोग अगर लेना चाहें, जैसे कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है? वेरिएबल हम लोग कॉन्स्टेंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, ओके? तो कॉन्स्ट कीवर्ड आपको यूज़ करना है सबसे पहली बात। कॉन्स्टेंट अगर आप बनाना चाहते हैं अपने वेरिएबल को, तो आपको CONST कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? यूज़ करने के बाद आप डाटा टाइप लिखते हैं, यहाँ आप अपना वेरिएबल नेम लिखते हैं, इक्वल आपने इसका वैल्यू इनिशियलाइज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि pi = 3.14, तो ये इसका वैल्यू फिक्स्ड हो गया, यानी कि इसको आप बाद में अपने प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। इसका वैल्यू pi = 3.14 ही रहेगा पूरे प्रोग्राम के दौरान, क्योंकि ये कॉन्स्ट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है? कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ बनाया गया वेरिएबल है, इसीलिए इसका इसके वैल्यू का आप चेंज नहीं कर सकते, ओके? कॉन्स्टेंट कीवर्ड का या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड का, यानी कि कॉन्स्टेंट टॉपिक का या फिर कॉन्स्टेंट के इस फीचर का इस्तेमाल आप फंक्शन में भी कर सकते हैं। जब आप फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन चाहे कॉल बाय वैल्यू हो या फिर कॉल बाय रेफरेंस हो, कहीं भी हो, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हम लोग फंक्शन जब डिफाइन करते हैं, जब डिक्लेयर करते हैं, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं। एड फंक्शन का नाम होगा हमारा, यहाँ हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, एड लिखते हैं फंक्शन का नाम, और यहाँ कॉन्स्ट इंट ए, यानी कि ये ए जो वेरिएबल है ये कॉन्स्टेंट है, यानी कि इसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ए के वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, ओके? उसी तरह आप फंक्शन बाय रेफरेंस, यानी कि जब फंक्शन में जब बाय रेफरेंस कॉल किया जाता है, तो उसके लिए आपको इस तरीके से कुछ लिखना पड़ता है। उसी तरह पॉइंटर में भी आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके अपने वेरिएबल को कॉन्स्टेंट बना सकते हैं, ओके? क्लियर है? अब चलिए इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में मैं सभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं और फंक्शन बाय वैल्यू कैसे करते हैं, बाकी आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ओके? बस इतना याद रखिए कि कॉन्स्ट कीवर्ड का जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके वैल्यू को बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं कि कांस्टेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे हम लोग कांस्टेंट बनाते हैं किसी भी वेरिएबल को, ओके? तो फिलहाल मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं कि क्या कितना आता है, ठीक है? तो यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सिंपल सा प्रोग्राम है। ए इक्वल मैंने 5 लिखा हुआ है और ए इक्वल मैंने a+2, यानी कि हमारा आउटपुट आएगा 7। चलिए इसको पहले रन करके देखते हैं। आपको आउटपुट दिख रहा होगा वैल्यू 7, लेकिन अगर आप इसको कांस्टेंट बनाते हैं, कांस्टेंट बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है CONST कॉन्स्ट कीवर्ड का, ओके? इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, कॉन्स्ट कीवर्ड लिखना है, देन आपको डेटा टाइप लिखना है, देन वेरिएबल नेम लिखना है, उसके बाद आपको वैल्यू लिखना है, या तो वैल्यू यहाँ आप लिखें, या फिर आप यूज़र से भी ले सकते हैं वैल्यू इनपुट के तौर पर, ओके? यहाँ हम लोग उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, a = a+2, यानी कि a के वैल्यू को हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बाय 2, यानी कि अभी a का वैल्यू कितना है, 5 है, लेकिन इस स्टेटमेंट के थ्रू हम a को कह रहे हैं कि आप अपना वैल्यू 2 इंक्रीज करो, यानी कि 5 से आप 7 हो जाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये कॉन्स्ट है, यानी कि कॉन्स्टेंट है। जब ये कॉन्स्टेंट नहीं था, तब हमने देखा था कि हमें आउटपुट 7 मिला था, लेकिन अगर अभी हम इसको रन करें तो हमें एक एरर मिलता है। 6 नंबर में आपको एक रेड बॉक्स दिख रहा होगा, ये एक्चुअली एरर है, जो कि कह रहा है कि ये एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल है और इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, ओके? देखिए यहाँ अब मैं आपको एरर दिखाता हूँ। एरर में देखिए लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, ये एरर दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको कांस्टेंट क्रिएट किया हुआ है, इसीलिए आप इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस वेरिएबल के वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यूज़ करने का मतलब कि आप चाहें तो इसका आउटपुट ले सकते हैं, जैसे कि अगर अब हम इसको
रन करते हैं तो हमें वैल्यू 5 मिलता है, या फिर अगर हम कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ एक और वेरिएबल क्रिएट करें, मान लीजिए कि मैंने लिखा हुआ है बी इक्वल, अच्छा इसको चलिए इसको नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यानी कि इन बी इक्वल मैं लिख देता हूँ यहाँ 5। ओके, और यहाँ हम लोग इसको अगर यूज़ करना चाहें एक और वेरिएबल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ओके, वाई मैं ले लेता हूँ, वाई इक्वल अगर मैं लिखूँ ए प्लस बी, और यहाँ मैं वाई आउटपुट स्क्रीन पर देखूँ तो हमें इसका आउटपुट 10 मिलेगा, यानी कि हम ए के वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देखिए, यहाँ आपको आउटपुट 10 मिल रहा है, यानी कि ए के वैल्यू को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ए के वैल्यू को हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, यानी कि ए के वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इंक्रीज़ मीन्स यहाँ इंक्रीज मीन्स आप या इंक्रीज मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, सिंपली इतना समझिए। ओके, तो जिस तरीके से कांस्टेंट वेरिएबल में यूज़ करते हैं, कांस्टेंट कीवर्ड का, यानी कि कांस्ट कीवर्ड का वेरिएबल में यूज़ करते हैं, उसी तरह आप इसका फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फंक्शन में कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। जैसे कि ये फंक्शन में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इतना जाने कि कॉन्स्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट होगा कॉन्स्टेंट के थ्रू, जिसका हम लोग वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो अगर हम इसको फिलहाल अभी रन करते हैं, ये सिंपल सा फंक्शन है फंक्शन का, तो इसमें मैंने प्रोटोटाइप लिखा है, ये इंट ए इक्वल 5 लिखा है, यहाँ मैंने फंक्शन को कॉल किया है, ए पास हुआ है यहाँ एक्स में जो कि 5 है, और यहाँ हम लोग लिख रहे हैं 5 प्लस 2, यानी कि 5 को +2 कर रहे हैं, यानी कि 5 को इंक्रीज कर रहे हैं बाई 2, तो ये आपको आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा 7। चलिए इसको रन करके पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने इसको रन किया और हमें आउटपुट मिल रहा है कितना 7। लेकिन अगर आप यहाँ कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करें और इस ये जो पैरामीटर पास हो रहा है, ये जो पैरामीटर है, सॉरी ये पास नहीं हो रहा, ये ठीक है, ये जो पैरामीटर यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ इतना समझिए, अभी अभी इतना समझिए फिलहाल के लिए, कि ये जो पैरामीटर यहाँ लिखा हुआ है ये कॉन्स्टेंट टाइप का है, यानी कि ये चेंज नहीं हो सकता अभी यहाँ। ओके, तो इसको अगर हम लोग रन करें तो हमें एक एरर मैसेज मिलता है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ जब ये फंक्शन कॉल किया जाता है तो ये ए का वैल्यू यहाँ पास होता है, ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 5, जो कि एक्स यहाँ यहाँ पास हुआ, तो एक्स का वैल्यू अब 5 हो गया। एक्स का वैल्यू 5 तो हो गया, लेकिन ये कॉन्स्टेंट टाइप का है जो कि बाद में चेंज नहीं किया सकता, और यहाँ हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें एक एरर मिलता है, यानी कि एक्स इक्वल 5 है जो कि कॉन्स्टेंट टाइप का है, इसीलिए हम इसको इनक्रीज नहीं कर सकते। एक्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसके वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ओके ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।